कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं सुपर मॉम और हम, और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही कराची की बिरयानी। तो बिरयानी का तरीका कुछ ज़रा इस तरीके से है कि पहले हम बिरयानी में एक यखनी बनाएंगे। ये मेरा ग्रे पैरेट है ना, परेशान मत होइएगा। तो उसमें हम जो है पहले एक यखनी बनाएंगे, जो कि यखनी काफ़ी स्पाइसी टाइप की है, थोड़ी मसालेदार है, पुलाव यखनी से बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद हम उसके ऊपर लेयर लगाएंगे एक हरे मसाले की। तो उसके बाद हम चावल डायरेक्ट डाल देंगे सारे ना उसके ऊपर, यानी कि एक कनी के उबले हुए चावल हम डायरेक्ट डाल देंगे। ये बिरयानी असल में जो है मैं बना रही हूँ तकरीबन 6-7 साल से, और इस बिरयानी की रेसिपी मैंने देखी थी मदनी बिरयानी कराची वाला ना, तो ये मदनी बिरयानी की रेसिपी उसने शेयर की थी। तो वो बहुत बड़ा देख था, बहुत बड़े देख में उन्होंने शेयर किए, तकरीबन 10 किलो का उनका देख था। तो उन्होंने वो बिरयानी शेयर की थी, उसी बिरयानी की रेसिपी को मैं छोटी देखची में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग ये ईजी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत पुरानी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ बना बनाकर। बेसिकली ये कराची वाली बिरयानी वही बिरयानी है जो कि आप शादियों में खाते हैं। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कैसी बनी। तो देखते रहिए, मेरे साथ साथ रहिए जी। चिकन हमने ली है 3 पाव, और इसकी यखनी हम सबसे पहले तैयार करेंगे, जिसके लिए हम आपको मसाले बता देते हैं। हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, और ये सारा गरम मसाला है मिक्स, जिसमें काली मिर्चें हैं, साबुत ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग है, बड़ी इलायची की 2 दाने हैं, दालचीनी है 6-7 छोटे दाने, छोटी इलायची है, छोटे पत्ते हैं तेज़ पत्ते के 3, और ये चिकन पाउडर है तकरीबन 1/2 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून जो है ये सॉल्ट है, और उसके साथ ये तकरीबन 2 चुटकी के बराबर जो है जायफल जावित्री का पाउडर है, और ये है हरी मिर्चें पिसी हुई, तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें पिसी हुई ना। तो इन सब मसालों को हम 1/2 कप ऑयल में इसके साथ मिक्स करके चढ़ाते हैं, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, में हमने तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है, इसमें हम डाल देंगे अपना चिकन, ठीक है, और फिर हम इसमें ये सारे मसाले जो हैं वो डाल देंगे, ठीक है, सारे मसाले डाल रहे हैं। उसके बाद जो है पिसी भी हमारी हरी मिर्चें हैं, ये भी हम डाल देंगे, इसमें हम तकरीबन 1/2 कप ऑयल, बाद में हम ऑयल और ऑयल भी डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऑयल अभी शुरू में डलता है, तो बाद में डलेगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरीके से इसमें ये मसाले हमने डाल दिए हैं, और अब हम इसको बॉयल होने तक जो है तेज़ आंच रखेंगे, उसके बाद हल्की आंच पे इसको हम ढक देंगे। अब ये इस तरीके से पकना शुरू हो गई है, अब हम आँच हल्की कर देंगे और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे। हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक दिया है, अब हम देखते हैं हल्की आंच पे। यखनी बन रही थी हमने जब तक जो है हरे मसाले की तैयारी की है, और बासमती चावल भिगो दिए हैं, 15 मिनट से ज़्यादा भिगोने नहीं, और ये भी हमने लिए हैं 3 पाव हमने लिए हैं, 3 पाव चिकन था, 3 पाव राइस ले लिए हमने, और जी हरे मसाले के लिए हमने लिया है पुदीना कटा हुआ, 3 मीडियम टमाटर स्लाइसिस कटे हुए, और हरा धनिया कटा हुआ, और 3 मीडियम प्याज ब्राउन, और भीगे हुए आलू बुखारे, जिसमें हम डालेंगे शान का थोड़ा सा चाट मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें छिड़क के सारे को मिक्स करेंगे, जिसकी हम उस यखनी के ऊपर लेयर देंगे, और उस लेयर के साथ ही हम एक दही की भी लेयर देंगे, जिसमें हम डालते हैं थोड़ा सा पिसा हुआ गर्म मसाला 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, और थोड़ा सा जर्दे का रंग है जो कि इस दही में मिक्स हो जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा ये चाट मसाला छिड़क देंगे, ये देखें आप इस तरीके से इसमें हमने सब पे छिड़क दिया, पहले वो
एक टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन ये कि छिड़काव हमने कर दिया है और अब हम इसको जो है ना अच्छी तरीके से ना मिक्स कर देंगे सबको आपस में। हमारी देखें यखनी हमारी तैयार हो गई है, हमारा गोश्त जो है गल गया है और अब हम जो है इसमें लेयर डालेंगे, जो हमने हरा मसाला बनाया था ना हम उसकी इसमें लेयर लगाएंगे। ये देखें ये हमने इसमें लेयर डाल दी इसकी, सही है, और इसके ऊपर हमने जो तो दही तैयार करा रहा हम उसकी लेयर डालेंगे। हमारे चावलों का हमने जो है पानी रख दिया है, जब तक ये कि हम इसको 5 मिनट और पकने देंगे। ये हमने चूल्हा बंद कर दिया है जब तक हमारे चावल जो है वो बॉयल होने रख दिए हैं। जैसे ही वो एक करनी के बॉयल हो जाएंगे उसको हम निकाल के इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। इसको हमने अभी टच नहीं किया है, मिक्स नहीं किया है, जब ये दम होएंगे चावल तो उसके बाद इसकी मिक्सिंग होगी, तो आप देखते जाए। करते हो इतना शोर करते हो, सारा खाना पकाना वीडियो बनाना मुश्किल कर दिया, अब करो शोर। जैसे ही एक बॉयल आना शुरू हो जाए आप चावलों को निकाल लें, और इस चमचे की मदद से मैं इनको निकाल लेती हूँ, हमेशा पूरा उठा के नहीं छानती, ज़्यादा आसानी रहती है इसमें। इसको आप किसी बड़े बर्तन में इस तरह से आप चावलों को निकाल लें, और जब आखिर में ज़रा से बचेंगे तो देगची को उठा के पानी फेंक दें आप। इसका चूल्हा जला दिया है मसाले का, और हम ये जितने भी राइस हैं ये राइस हम इस पर हम लेयर लगा देंगे। सारे एक साथ डल जाएंगे, कोई बीच में मसाला नहीं डलेगा, ये सारे डल जाएंगे एक साथ। चावल सारे डालने के बाद ये ऑयल हम यूज़ करेंगे जिसमें हमने हरे मसाले का ब्राउन प्याज किया था, वही वाले ब्राउन प्याज का जो ऑयल है ना जो हमने फ्राई पैन में अलग से ब्राउन प्याज किया था उसको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और तेज़ आंच पे जो है ना इसको जब तक ढकेंगे जब तक इसके अंदर स्टीम नहीं बन जाती, क्योंकि हमारा चूल्हा मसाले का बंद पड़ा हुआ था। जैसे इसमें स्टीम बन जाएगी तेज़ चूल्हे पे इसमें 2 मिनट में हमारी स्टीम बन जाएगी। जैसे हम खोल के देखेंगे स्टीम चेक करेंगे फिर हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये देखिए तकरीबन 2 मिनट हुए हैं और इसमें स्टीम होना शुरू हो गई है। अब हम इसको जो है ना दम की आंच पे 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और हमारे चावल जो है अच्छे से दम हो गए हैं। अब हम जो है इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ये देखें आप कैसा कलर आया निकल कर।